गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वी आर इंडियन वांडर। और आज अभी जा रहे हैं हम वैष्णो देवी। अभी सुबह के बजे हैं 4:30 और अभी हम हैं कहाँ पे, सोनीपत में। तो चल रहे हैं, चलो। दोस्तों अभी हम आ गए हैं लखनपुर बॉर्डर। अभी 1:30 बजे हुए हैं। लखनपुर बॉर्डर पे RT-PCR रिपोर्ट और आपका डबल डोज का वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक होता है। तो अभी हम देखते हैं, ये आगे वाली वाइट गाड़ी हमारे साथ है, तो हम दो गाड़ियों में गए हुए हैं। और ये आप लेफ्ट साइड में कैनोपी देख रहे हैं, यहाँ पे आपके RT-PCR टेस्ट होते भी हैं, इनके साथ में रिपोर्ट नहीं ली है। तो इसी की वेट में हमने RT-PCR की रिपोर्ट नहीं करवाई थी, हम केवल अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके आए हुए हैं। देखते हैं हमारे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक होते हैं या हमें RT-PCR की टेस्ट कराना पड़ता है। देखते हैं, वेट करते हैं इसके लिए। और ये शायद हमारे गाड़ी को साथ साइड में लगवा दिया है, देखते हैं हमें क्या बोलता है ये। हाँ, जो लोकल गाड़ीज हैं जम्मू नंबर की, उनको डायरेक्टली जाने दिया जा रहा है। जो बाहर से आती हैं, बस आती है या कार आती है, उसी को केवल चेक करते हैं। ये HP नंबर को भी शायद इन्होंने अलाउ कर दिया है, या तो कोई नॉन हुआ इनका। तो अब क्या करें, तो हमने बोल दिया कि हमारे सेकेंड डोज की जो वैक्सीन सर्टिफिकेट है वो सामने वाली गाड़ी में है। तो देखते हैं क्या करेंगे हमारे साथ, और मैं अलाउ कर दिया है आगे जाने के लिए कि आप साइड में वेट कर लो, हम वैक्सीन से। तो मतलब आपको RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप डबल डोज से वैक्सीनेटेड हैं तो आपका काम चल जाएगा। तो फाइनली हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, और ये है हमारा पहला टोल प्लाजा जो कि हमें सोनीपत से यहाँ तक पहली बार में जो मिला है। अब तक जितने भी टोल प्लाजा में मिले सारे बंद थे, इसको किसान आंदोलन के कारण सभी पे किसानों ने कब्जा कर रखा है, और सारे टोल प्लाजा फ्रीली हमारे क्रॉस हो गए। तो इससे हमें काफ़ी अराउंड 1,000-1,500 रुपये का टोल टोल बच गया है। और अभी देखो बहुत सारे टनल बनाई हुए ऐसे, और आप कटरा की तरफ जाएंगे जम्मू से तो आपको दूर तक ऐसी टनल मिलेंगी, जिससे कि आपका रास्ता काफ़ी छोटा हो गया है और काफ़ी स्मूथ है। रोड कंडीशंस बिल्कुल हाईवे है, लेके आपका सोनीपत या दिल्ली से जिसको बोलो आप, और आपके आखिर कटरा तक। मतलब कहीं भी कोई आपको, मतलब ऑफ रोड या ऑफ रोड तो भूल जाओ, टूटा रोड भी नहीं मिलता कहीं पे। थोड़े बम्प्स मिल सकते हैं, तो ऐसे से आपको 4 टनल देखने को मिलेंगी जिसमें से हम गुजरेंगे। तो वो सारी प्रॉपर्टी लाइट अप हैं, मतलब आपको कोई परेशानी कट्टर तक जाने में नहीं होने वाली है। हम सुबह 4:30 बजे चल रहे थे, ये देखो अभी भी हमारी गाड़ी 80-90 चल रही है। तो मतलब रास्ता में अब तक बहुत ही स्मूथ मिला है, मतलब आप कहीं भी जैसे नॉर्मल हाईवेज पर चलते हैं ऐसे ही चल रहे हैं, हमें कोई हम पहाड़ों पर चल रहे हैं या कोई हिल स्टेशन पर जा रहे हैं ऐसी कोई फील अब तक आई नहीं है। जैसे प्लेन रास्ते हैं, कोई चढ़ाई नहीं है ज़्यादा, थोड़ी बहुत मामूली मिलती है इतनी। तो आजकल आपको उसे किसी फ्लाईओवर पर चढ़ चढ़ोगे तब भी मिल जाएगी इतनी चढ़ाई। तो अदरवाइज़ हमारा अब तक का सफ़र है काफ़ी स्मूथ और कम्फर्टेबल रहा है। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है तो आप उसका पूरा यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। करीब 750 किलोमीटर की राइड होती है एक साइड की आपकी बनेगी, और इसमें आपको फुल मज़ा आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कल हम शाम को करीब 4:30 बजे यहाँ वैष्णो देवी पहुँच गए थे। उसके बाद हमने रेस्ट किया, रूम ले लिया था, ये होटल में रुके हुए हैं। टुलिप ट्री होटल, जी हमारी गाड़ी पार्क्ड है। और ये सामने का व्यू देखो होटल के, ये माता की चढ़ाई का सारा ट्रैक है वो दिख रहा है। और अभी हम हमारी ऑटो आ रखे हैं, यहाँ से हम जाएंगे बाणगंगा तक, उसके बाद वहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। ये
ये पहला पॉइंट है जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है। ये देखिए, ये पूरा वाइट मार्बल का बना हुआ स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, जहाँ डॉक्यूमेंट चेक होते हैं सारे, यात्रा पर्ची चेक होती है, उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं जी, ले लो आगे जाने के लिए। यहाँ तक आप ऑटो की हेल्प से जा सकते हो या होटल वाले आपको अपनी टैक्सी में या कार में भेज सकते हैं। जय माता दी। इधर ये नहाने के घाट हैं, तो ये बहता हुआ पानी है, यहाँ पे आप नहा सकते हैं। ये बाणगंगा से केवल 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और ये एक और बाथिंग घाट आ गए हैं, को दिखाते हैं। यहाँ पे वाटर स्ट्रीम है जो बहुत तेज बह रही है, देखना चाहिए, मस्त सीन है। वाह, देखो सामने पहाड़ से बहुत तेज पानी आ रहा है, बहुत ही ठंडा पानी। वाह, और माता के भक्त आज बहुत कम लग रहे हैं, अभी सुबह के 8 बजे हैं। और देखो केवल हमारा एक ग्रुप चल रहा है और कोई नहीं है, और कुछ दुकानें भी बंद पड़ी हैं अभी। ये आ गया गीता भवन बाणगंगा। अगर आप चाहें तो अपनी यात्रा घोड़े या पोनी में भी कर सकते हो, इसकी रेट लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये आ गया है चरण पादुका मंदिर। कुवारी से कटरा का व्यू, रेलवे स्टेशन है सामने, इधर एक स्टेडियम रहा और ये आने का रास्ता, इसके ऊपर शेड लगे हुए हैं। इस रास्ते में पुल है, इसके नीचे देखोगे आप यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है बाणगंगा पे। बाणगंगा और ऑटो की लाइन देख सकते हैं। ये है अर्धकुंवारी का 360 व्यू। फाइनली वे टू भवन। भवन के रास्ते में हैं और इमकोटी का डिस्पेंसरी थोड़ा आगे आए हैं, तो वहाँ पे हम
यहाँ देखो स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखाई दे रहे हैं आपको, बताओ जूम करना पड़ेगा। देखिए कमा सनोगिरी हुई है, देखो दोस्तों ये ऊपर यहाँ पे जाड़ लगाए हुए हैं, ये हैं पहाड़ से जो पत्थर गिरते ना ताकि डायरेक्ट शेड पे ना गिरे और उनसे बचा जा सके। और हम फाइनली यात्रा पूरी करते हुए भवन पे पहुंच गए हैं और अभी बजे हैं दोपहर के 3। अब रोशनी में पूरा भवन दिखाते हैं। ये रोपवे की ट्रॉली है, इसमें एक ट्रॉली में 40 से 50 आदमी एक साथ आ जाते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है भवन पे। ऐसा ही एक पॉइंट है कट भैरव मंदिर पे, एक साथ में आप 100 रुपये में आने जाने की एक साथ टिकट बुकिंग कर सकते हैं, जो कि 2 घंटे तक वैलिड रहेगी, मतलब 2 घंटे में आपको वापस भवन पे आना पड़ेगा। मुझे इसके पास से दिख रहा है माता का भवन। जय माता दी। रात को 12:30 बजे हमने यात्रा पूर्ण कर ली है और जा रहे हैं वापस होटल की तरफ।